किस तरह का चुनाव रहेगा इस बार का लोकसभा चुनाव? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे अहम होते हैं, अहम रहेंगे हमेशा, लेकिन फिलहाल हम चुनाव की बात करें तो वो स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है। लोकसभा है, लोकसभा में भाजपा ने ज्ञानेश्वर पाटिल को उतारा था, कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल को। नरेंद्र पटेल का जो फैक्टर है वो एक गुर्जर नेता है और बड़ी संख्या में करीब 20 लाख वोटिंग खंडवा लोकसभा में होना है, जिसमें से 3.5 लाख वोटर गुर्जर हैं। इसी के साथ बता दें आपको, 3.5 लाख मुस्लिम समाज भी है, वोटर है, जो खंडवा लोकसभा में। हम मोटे तौर पर देखें तो 6.5 लाख जो वोटर हैं वो कांग्रेस है, वोट बैंक स्थायी दिखाई दे रहा है और भाजपा फिलहाल जो है वो फील गुड फैक्टर में दिखाई दे रही है, वो 400 पार का नारा लगा रही है, बाकी जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आज तो अरुण यादव भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि मुंगेरलाल कृष्ण सब ने देख ली भाजपा। देखिए, बड़े नेताओं को आना शुरू हो गया, डिप्टी सीएम आए थे, देवड़ा आए थे, कांग्रेस के भी बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं। एक बार बता दें हम आपको, चुनाव में घमासान शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है और यही वो मूलभूत आवश्यकता है जो उपभोक्ताओं को, मतदाताओं के लिए सबसे प्राथमिकता में लिया जाता है। जी, हमारे साथ में और यात्रीगण।